हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेयर एंड टीयर पार्ट्स की, RTR 200। सो इसमें से जो है अभी मैंने बाइक लेके लगभग 6 मंथ्स हुआ है, और उसमें जो है मुझे एक दिक्कत आई है। जो फ्रंट टायर का जो फ्रंट डिस्क रहता है उसमें बहुत सारा नॉइज़ आ रहा था। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं कि इसको जो है हमने सॉर्ट आउट कैसे किया है एंड वॉट वॉज़ द फाइनल आउटपुट। सो मैं वाकड़ेवाड़ी गाड़ी लेके आया। वाकड़ेवाड़ी का जो सर्विस सेंटर है यहाँ पे, उन्होंने थोड़ा सा जो है वो वॉश करने के लिए लेके आए। सो पता चले कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा डिस्क वॉश करके फिर गाड़ी अंदर लेके आए। और जो आगे वाला ये रहता है टायर, तो उसका जो पैड रहता है वो यहाँ से उन्होंने बाहर निकाला खोल के। तो ये नए पैड लिए यहाँ से, देखो कंपैरिजन। मतलब एक जो है तो पूरा गायब हो गया था। सो इसका एक्चुअली ये देखो, ये नया वाला कितना अच्छा है। सो उन्होंने थोड़ा सा ये क्लीन करके ये जो है इसको फिर से नए पैड जो है यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए चालू किया। ये आप खुद से भी कर सकते हो, ज़्यादा ये नहीं है, बट एक्सपर्ट से करोगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। सो ये मेहता भाई है, इन्होंने ये पूरा निकाल के सेटिंग वगैरह किया। लास्ट टाइम भी सेकंड सर्विसिंग मैंने इनसे ही करवाया था। सो ये जो है इन्होंने यहाँ पे निकाल के अभी ये पैड वगैरह यहाँ पे बिठा दिया है। इनको पूछ रहा था मैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है, तो उन्होंने ही सेम रीज़न बोला कि ब्रेक यूज़ करके गाड़ी चलाएंगे तो ऐसे होता है। बट अगेन अपना स्टोरी क्या है वो आप एंड में सुन सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। मैंने लास्ट में देख के बताया है कि क्या रीज़न आया था। सो ये वॉश करने के बाद में ऐसे दिख रहा था, पैड वगैरह डाल दिए हैं। सो दैट्स इट गाइज, लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। सो गाइज, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मैं मेरा गाड़ी जो है एक TVS सर्विस सेंटर पे लेके गया था। तो मॉर्निंग में ही वो बंदे ने पूरा डरा दिया मुझे। उसने क्या बोला देखते हैं। और बंदे ने बोल दिया कि आपको ये मतलब पूरा डिस्क ख़राब हो गया है आपका, और जो उसका पैड रहता है वो पैड भी ख़राब हुआ है। एंड आई वॉज़ लाइक हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब अभी बाइक लेके 6 महीने भी नहीं हुआ है कंप्लीट। तो ये सेड ही सेड लाइक आप ब्रेक लगा के गाड़ी चलाते होंगे एंड ऑल। और आई वॉज़ लाइक, अरे मैं तो इतना अच्छे से बाइक चलाता हूँ, एंड देन हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक दिन मैंने बहुत रैश ड्राइविंग किया था, थोड़ा सा मतलब जल्दी था, इसीलिए तो मैंने सोचा उतने से हो सकता है। बट मैंने ठीक है बोला कि ठीक है, दैट इज़ फाइन। बाद में उसको प्राइजिंग वगैरह पूछा तो ही सेड इसका जो है पैड जो रहता है उसका 500 एंड जो डिस्क है उसका 1800, मतलब आपको लगभग 2500 के आसपास प्राइस जाएगा। एंड आई वॉज लाइक शेट, दिस इज़ टू मच। एंड इट वॉज़ अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे मतलब मैंने सोचा कि ठीक है अभी इसको रखते हैं थोड़ा होल्ड पे। एंड देन आई टुक बाइक बैक टू माई प्लेस। एंड उसके बाद में मैंने उस दिन थोड़ा सा सोचा, देखा कि मतलब एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा सा रिसर्च किया यूट्यूब पे। एंड देन नेक्स्ट डे, मतलब उस दिन में कल मैंने बात किया एक दूसरे जो मैं देन मैंने बाइक एक सर्विस सेंटर पे लेके गया जहाँ पे मैं हमेशा सर्विसिंग करता हूँ। एंड देन उन्होंने देखा वगैरह, तो उन्होंने बोला कि डिस्क को थोड़ा सा स्क्रैच आया है, कुछ ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं है, और दैट इज़ फाइन, मतलब इतना चलता है। और जो पैड था तो वो पैड जो है तो वो पूरा मतलब घिस गया था, और एक साइड का जो पैड है वो पूरा निकल गया था लिटरली। तो आई वॉज वंडरिंग कि मतलब इतना जल्दी कैसे पॉसिबल हो सकता है ये पूरा डिस्क का पैड जाना। तो वो जो मतलब सर्विस करने वाला बंदा है ही सेड कि ये ABS की वजह से भी थोड़ा पैड जल्दी जा सकता है,
बट मुझे लगा कि जब पैड खराब होते हैं तो वो घिस घिस के बारीक होते हैं। मेरा जो पैड था तो उसमें वो एक जो रहता है पैड वो पूरा निकल गया था, जो कोटिंग रहता है वो पूरा निकल गया था, और वो लिटरली जो मेटल रहता है वो मेटल ऐसे मेटल ऐसे स्क्रैच होके उसका आवाज़ आ रहा था कर कर ऐसे। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ट्रैक के लिए वगैरह जब गाड़ी लेके जाता हूँ तो उस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा मिट्टी या मतलब बारिश के वजह से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और वो जो पूरा उसका प्लेट रहता है इंस्टेड ऑफ रशिंग वो पूरा निकल गया है, इसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हुआ है ऐसे, एक मेरा रीज़न रहता है। सो आप क्या कर सकते हो कि आपका जब भी आप बाइक नया लिया है तो हमेशा जो ब्रेक पैड रहते हैं वो एक बार चेक किया करो, मतलब वंस इन अ मंथ और समथिंग लाइक दैट, और अगर कुछ आवाज़ वगैरह आता है तो वैसे बाइक मत चलाओ, पहले देखो अगर वो आवाज़ आ रहा है तो इसका मतलब वो डिस्क को रब कर रहा है एंड इट मे डैमेज योर डिस्क मोर। सो इसलिए आपको थोड़ा सा केयर करना है। एंड या द एंडिंग वॉज सिर्फ पैड चेंज किए, डिस्क अच्छा से था। सो मुझे जो मतलब 2500 या 3000 प्राइस बोला था उतना लगा नहीं, सिर्फ 300 में वो जो पैड चेंज के काम हो गया एंड बाइक इज़ रनिंग स्मूथली नाउ। सो यस, जस्ट ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा कि ये आपको हेल्प करेगा इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया। एंड या मतलब कंक्लूजन ये है कि जब आप ब्रेकिंग यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि मतलब थ्रोटल या जो रेस से आप ना दे, वो एक आपके लिए अच्छा रहता है। एंड मेक श्योर कि यू आर यूजिंग बोथ द ब्रेक्स, सिर्फ आगे का ब्रेक नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से थोड़ा सा बाइक का कंट्रोल जो है जल्दी आ जाता है और आगे वाला जो ब्रेक है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता है। सो ये छोटा सा टिप था, आई एम नॉट एक्सपर्ट बट जस्ट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने शेयर किया। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल लगा तो। थैंक यू सो मच, बाय।